हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आइलैंड पे लाइट कहाँ से आती है। क्योंकि यहाँ पे कोई बिजली तो कुछ आ नहीं रही है हवा में से। जो तार आते हैं हमारे इंडिया में और सब जगह पे, तो समुंदर के बीच में जहाँ पे आइलैंड होता है वहाँ पे लाइट कैसे आती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और अभी फ़िलहाल तो आप मौसम का मज़ा देखो, यहाँ पे शाम हो गई है और पीछे जो वो दिख रहा है ना, पीछे का एरिया, वहाँ पे पूरा बादल अभी नीचे समुंदर से पानी ले रहा है। ऊपर जब वाल बढ़ जाता है, थोड़ा हीट होती है, तो नीचे से पानी जो समुंदर का है वो ऊपर खींचता है, फिर उसके बाद में बादल बन जाते हैं। और बादल जब बन जाते हैं तो बरस जाते हैं। तो ज़्यादा इसमें मुझे साइंस बताने की ज़रूरत है नहीं। अभी फ़िलहाल आप जो व्यू है पहले वो देखो, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि लाइट आती कहाँ से आइलैंड पे। ये देख रहे हो आप, ये कितना प्यारा व्यू आ रहा है शाम को यहाँ से। अब ये देख सकते हैं बादल, एकदम काले काले बादल है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ कि यहाँ पे लाइट कहाँ से आती है और कैसे आती है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि लाइट कहाँ से आती है और कैसे आती है। ये है हमारा डीजल शिप, ये आया है माले सिटी से। ये बड़े बड़े जो आप पाइप देख रहे हो, ये देखो बड़े बड़े पाइप जो आप देख रहे हो ना, ये मैं दूसरी बोट से उसका व्यू ले रहा हूँ ताकि उसको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, अब इसमें ऊपर तो कुछ है नहीं, तो सारा जो डीजल है वो इसके नीचे जो ये जो पूरा टैंक बना हुआ है इसके अंदर है। ये सारी पाइपलाइनें हैं और जो यहाँ से कनेक्ट होके सीधा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो पाइप जा रहा है ना इसके थ्रू होके वो वहाँ पे पंप लगाए, एक पंप के थ्रू खींच रहा है, यहाँ से सक्शन कर रहा है, उसके बाद में वहाँ से वो जाता है हमारा डीजल टैंक में जो हमने वहाँ पे बना रखे। तो डीजल टैंक हमारा बना है थोड़ी सी दूर, कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था ना उसमें डीजल टैंक थोड़ा दिख रहा है। अगर आप जाओ वाला वीडियो देखो तो इसमें एक बार जूम करके जहाँ पे मैं शहादत का नाम लेता हूँ वहाँ पे डीजल टैंक भी दिख रहा है, तो आप जाके देख सकते हो। फिलहाल तो हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो हम डीजल यहाँ से ले लेते हैं और उसके बाद में यहाँ से डीजल पंप के थ्रू अंदर पाइपलाइन से दूसरा पंप के थ्रू वहाँ चला जाता है, फिर उसके बाद टैंक में स्टोर होता है 2-4-6 हज़ार लीटर। यहाँ पे लाखों लीटर के हिसाब से बड़े बड़े टैंक लगे हुए हैं, जो हमारे यहाँ पानी की टंकियाँ होती हैं उससे दुगने और तिगने बड़े। मैं आपको अगली वीडियो में हो सकता है वो वाले टैंक दिखाऊं। तो यहाँ से स्टोर होता है पानी वहाँ जा, सॉरी वाटर वहाँ जाके, सॉरी डीजल सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट डीजल वहाँ जाके स्टोर होता है। फिर वहाँ से जितना हमारा पावर हाउस में जाता है जहाँ पे हमारे डीजी लगे हुए हैं वहाँ पे जाके वो स्टार्ट करता है जनरेटर से, जनरेटर पावर देता है। यहाँ पे 24 आवर यहाँ पे जनरेटर चलते हैं, जनरेटर 24 आवर चलता है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई लाइट, कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े बूस्टर पावर के जनरेटर लगे हुए हैं, डीजी, जिसको हम मैकेनिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डीजी, डीजल जनरेटर। जैसे कि हमारे यहाँ लोकल बोलते हैं ना जनरेटर लिया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोलते हैं डीजी, एक जो उसका प्रोफेशनल नेम है डीजी की, तो उसकी हॉर्स पावर और जो सब होती है वो बहुत बना देती है, तो इसलिए उसको वी विल कॉल अबाउट दैट डीजी। सो जो आइलैंड देख रहे हो ना, ये यहाँ की लोकल जो जनता है, लोकल जो लोग हैं, लोकल पॉपुलेशन, वो यहाँ पे रहती है इस आइलैंड पे। इस आइलैंड पे हो सकता है मैं कल या उसके अगले वाले वीडियो में इस आइलैंड का आपको दिखाऊं। जैसे कि अभी मैं आपको एक जूम करके एक व्यू दिखाता हूँ वहाँ पे, शायद आप देखने की कोशिश करना, अगर दिख जाएगा तो अच्छा है। दिखा है आपको, एक टैंक दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। ये टैंक
सेम यहाँ पे भी इसमें डीजल स्टोर होता है। ठीक है गाइस, यहीं पे आज हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और मेरे पास अभी थोड़ा काम है, वो भी उस काम के लिए भी जाना है। तो अगले वीडियो में हम आगे की जो चीज़ें हैं वो बताएंगे कि यहाँ से जाके डीजल कहाँ पे चला जाता है, फिर उसके आगे उसका क्या प्रोसेस होता है वो अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो और शेयर भी कर लेना, ठीक है। और मैं वीडियो को एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ है वो दिखा रहा हूँ और वो यूट्यूबर की तरह नहीं कर रहा हूँ मैं। तो फ्री टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।